guys, welcome to Rinki's Angelican. We are back with monthly readings for you guys. ये महीने हम कर रहे हैं तीन tarot card और एक angel answer. अगर आप channel पर बहुत time से हो तो आपको पता है कि angel answer कैसे काम करता है. अगर आप channel पर new है तो मैं आप लोगों के लिए बता देती हूँ. Angel answer के लिए basically आपको एक situation सोचनी पड़ेगी, एक question दिमाग में सोचना पड़ेगा. कोई situation related आपको ये answer मिलेगा. जैसे मैं यह answer angel card pull out करूँगी, वो आंसर आप अपने सिचुएशन पे रिलेट कीजिए. इनडायरेक्टली अगर आप यूनिवर्स से कोई आंसर मांग रहे हैं, कोई सुप्रीम पावर से आंसर मांग रहे हैं, वो यही आंसर है, तो उसे रिलेट कीजिए और उसी हिसाब से आप आगे बढ़िए. आई होप आपको ये रीडिंग्स पसंद आए. अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट कीजिए वीडियो के नीचे और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए. एंड लेट्स मूव ऑन टू केप्रिकॉन. केप्रिकॉन मैंने आप लोगों के लिए तीन टैरो कार्ड्स पुल आउट कर रहे हैं और एक एंजल आंसर. जो पहला कार्ड आया हुआ है हमारे पास वो है द फूल. अब द फूल हमें ये बता रहे हैं कि यू नो आपके लाइफ में जो ब्राइटनेस, जिसे हम बोलते हैं कि पॉजिटिविटी, आई फील अभी शुरू हुई है. जिसे हम कहते हैं ना, आप बहुत टाइम से वो मन की शांति, वो सुकून ढूंढ रहे थे कहीं ना कहीं, पर आप वो मिल नहीं पा रहा था. क्यों नहीं मिल पा रहा था? क्योंकि आप वो बाहरी लोगों में ढूंढ रहे थे, बाहरी सिचुएशंस में ढूंढ रहे थे. बट अब आपने वो सॉर्ट ऑफ अपने अंदर में ढूंढना स्टार्ट किया है एंड वहाँ पर ही आप ये पॉजिटिव चेंजेस देख रहे हो. जो फूल है वो हमें बता रहा है कि आपकी लाइफ की जर्नी अभी शुरू हुई है. यू नो आपने पॉजिटिविटी में जस्ट स्टेप किया है, तो ये समय है कि सॉर्ट ऑफ यू नो बस आगे बढ़ते रहिए. कोई भी घबराहट, कोई भी फियर्स, कोई भी एंजाइटी, उसे अपने लाइफ में बिल्कुल वेटेज ना दें. एट दिस पॉइंट ऐसा लग रहा है कि हाँ मैं यू नो एज ऑफ द माउंटेन पे हूँ, बट आप समझ के चलिए कि यूनिवर्स, भगवान आपको प्रोटेक्ट कर रहे हर समय आपकी लाइफ पे. तो वो जो फीलिंग सेफ, फीलिंग प्रोटेक्टेड वाली एनर्जीज है, वो वाइब्रेशन है, अपने लाइफ में आप डेफिनेटली इन्वाइट कीजिए. अब जो सेकेंड कार्ड है वो है कार्ड ऑफ कप्स. ये कार्ड हमें बता रहा है कि यू नो फैमिली वाइज भी बहुत इम्प्रूवमेंट्स है, बहुत पॉजिटिविटी है. ऐसे लग रहा है कि जो अगर समझो कोई रिश्ते जहाँ दरार आ रखी थी, वो दरारें सारी मिट गई है. एंड यू नो यू फील वेरी कनेक्टेड टू पीपल इन द फैमिली, यू फील वेरी कनेक्टेड टू योर पार्टनर समवेयर. वो बहुत एक अच्छा समय चल रहा है जहाँ आपको ऐसे लग रहा है कि टच वुड यू नो सारी चीज़ें अच्छी है वैसे वो. तो अब ग्रैटिट्यूड बिल्ड कीजिए, यू नो थैंकफुल कीजिए, यूनिवर्स को थैंक कीजिए, सुप्रीम पावर को थैंक कीजिए. क्योंकि जितना आप यूनिवर्स को थैंक यू बोलोगे, उतनी अच्छी चीज़ें आपके लाइफ में मल्टीप्लाई होगी. मैं खुद एक ग्रैटिट्यूड फैन हूँ, तो कहीं ना कहीं यू नो आप ग्रैटिट्यूड को अपने लाइफ में इन्वॉल्व कीजिए एंड उससे आप देखेंगे कि लाइफ में इतने बड़े बड़े चेंजेस आप फील करेंगे पॉजिटिवली एंड यू विल बी कंटेंट मोर देन एनीथिंग एल्स. अब जो लास्ट कार्ड है वो है कार्ड ऑफ पेंटिकल्स. ये कार्ड हमें बता रहा है कि प्रोफेशनली भी आप बहुत सिक्योर फील करो, सेफ फील करो. ये कार्ड हमें ये भी बताता है कि यू नो जितनी आप मेहनत करो उसके आपको अप्रिसिएशन मिल रही है. यू नो सामने लोगों को कदर है आपके एफर्ट्स की, आपके मेहनत की, तो जितना मेहनत आप कर रहे हो उसका सॉर्ट ऑफ इक्विवेलेंट रिजल्ट ही मैं देख रही हूँ कि आपको मिल रहा है. सो गो हैड एंड सॉर्ट ऑफ प्रोग्रेस. अब जो एंजल आंसर आया हुआ है वो भी बहुत ही सुंदर आंसर आया हुआ है. वो कह रहे हैं नो नीड टू वरी. एंजल्स बता रहे हैं कि जो भी सिचुएशन आप डील कर रहे हो, जो भी जहाँ पर भी आपको ऐसा लग रहा है कि थोड़ी प्रॉब्लम है, ये कब सुलझेगी, क्या होगा, एंजल्स आपको बता रहे हैं कि यार बिल्कुल स्ट्रेस छोड़ दो, बिल्कुल टेंशन निकाल दो. कोई भी चीज़ के लिए इतना वरी करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि चीज़ें अपने आप सुलझ रही है. आपने ऐसा है ना कि जो चीज़ नहीं भी होने वाली है, आई फील वो बुरा सोच सोच के आपने इतना ज़्यादा स्ट्रेस ले लिया है, वो सारी चीज़ें छोड़ दीजिए. टेल यूनिवर्स जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा है. सो इट्स द टाइम टू नॉट वरी. दैट्स अबाउट इट. आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आई हो. आपके जो मंथली कार्ड्स हैं वो बहुत ही पॉजिटिव आया है. आप उसको राइट दिशा में यूज़ कीजिए. यू विल सी अ लॉट ऑफ पॉजिटिव चेंजेस. गो हैड एंड सब्सक्राइब टू द चैनल अगर आपने अब तक नहीं किया है तो. स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड फॉर लॉट्स मोर. थैंक यू.